अब इसको वन बाय वन जो इसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको श्रिंक किया जाएगा। जो हमने कट लगाया था अब उसका सेमीकंडक्टर निकाल रहे हैं ताकि हमारा कंडक्टर बाहर आ जाए इस तरीके से। और यहाँ पे फेरूल लगा के इसको क्रिम करा जाएगा जिससे ये थ्रो जॉइंट कंप्लीट होगा। फिर उसके आगे की प्रोसीजर्स हैं, लेयर बाय लेयर इंसुलेशन डालनी है, उनको श्रिंक करना है। ये हमारे तीनों कंडक्टर ओपन हो गए हैं। ये हमारे राजू जी ने इसके फेरूल निकाल लिए हैं और इसको ओपन कर रहे हैं। जो इसकी पैकिंग रहती है प्लास्टिक की, इसके अंदर एक केमिकल रहता है, पेस्ट रहता है, केमिकल पेस्ट, जो कि इसके अंदर के एरिया को पूरा फिल कर देता है एयर गैप को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये इस तरीके से इस कंडक्टर पर रख दिए जाएंगे, इंसर्ट कर दिए जाएंगे। फिर इसको क्रिम किया जाएगा दोनों साइड की केबल को मिलाने के बाद। ये दोनों साइड के हमारे कंडक्टर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फेरूल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, फिर केबल को आगे बढ़ा देंगे जिससे ये प्रॉपर सीधी रख ऊपर वाली अलाइन हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हो गई है, अभी चेक करते हैं इसको। ये इनका क्रिम्पिंग टूल है जिससे इसमें 300 mm की 300 square mm की डाई लगेगी। फिर इस फेरूल को क्रिम किया जाएगा। और इसको देखिए, ये डाई इन्होंने लगा दी, ये डाई लगा रहे हैं, ये डाई सेट कर दी है। अब ये केबल को सेट करेंगे दोनों साइड से खींच के, और इसको इस तरीके से पंच किया जाएगा। ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल होता है, जगह जगह से पंचिंग करेंगे ताकि ये अंदर से पकड़ अच्छे से मजबूत पकड़ बना लेगा। ये देखिए, दूसरा भी कंडक्टर को क्रिम किया जा रहा है, इसकी दूसरी कोर पे काम चल रहा है। अभी एक कंप्लीट हो चुका है, ये देखें। दो कोर का हो गया है, तीसरे पे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तीनों कंडक्टर मेरे हो गए हैं। अब इसके आगे का काम शुरू करेंगे। अब ये आप राजू जी क्या निकाल रहे हैं, थिनर या क्लीनिंग? क्लीनिंग शोल्डर। क्लीनिंग शोल्डर, इसको ऐसे क्लीन करते हैं ताकि जब हमने ऐसे भी रब किया था सैंड पेपर से, जो इसका डस्ट रह जाता है उसको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए। और इसी तरीके से सारे सेमीकंडक्टर को क्लीन करेंगे। इसके अलग अलग पाउचेज रहते हैं क्लीनिंग के लिए।
ये इस तरीके से देखिए बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाता है, ये कुछ भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहते इसमें। ये अच्छे से सारा क्लीन हो गया है, कंडक्टर भी, फेरूल भी, सेमीकंडक्टर सॉरी। अब इस पे ये निकाल रहे हैं, ये देखिए इधर पैकेट रखा हुआ नीचे, ये मैस्टिक टेप है, ये मैस्टिक टेप अप्लाई किया जाएगा यहाँ सेमीकंडक्टर लोकेशन पे। ये देखिए ये इसको इंसुलेशन का काम करता है, जो इंसुलेशन हमने इसको फेरूल को क्रिम करने के लिए निकाल दी थी सारी केबल में जो आती है, तो इसको वापस इंसुलेट किया जाता है, तो उसमें एक ये प्रोसेस मैस्टिक टेप की भी आती है। ये हमने मैस्टिक टेप ऑलमोस्ट अप्लाई कर दिया है तीनों कोर पे, और ये जैसे पहले इंसुलेशन थी इसकी ऑलमोस्ट उस तरीके से वापस एडिशनल मैस्टिक टेप लगा के जो किट के साथ निकला था और वापस इंसुलेट कर दिया गया है इस ओपन एरिया को जहाँ पे हमने फेरुलिंग की थी इसकी, अभी क्रिम्पिंग करके जोड़ा था केबल से केबल को दो जॉइंट के थ्रू।